सॉरी मुझे पता नहीं था आपकी सीट है. नहीं मैं चला जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं. इट्स ओके इट्स ओके यू कैन सिट. श्योर. यस श्योर. थैंक यू. आप बंगाली हो क्या? हाँ, पर आपको कैसे पता? क्या कहें, आपके आगे सब चीज़ बयां कर दे रही हैं. शुक्रिया. वैसे आप यहीं कहीं रहते हो क्या? हाँ, मैं यहीं पास में रहती हूँ. एक्चुअली मैं यहाँ काम करती हूँ. ओके ओके. और आप? मैं तो बस ऐसे ही गुजर रहा था तो सोचा कुछ खा लूँ, तो बस आ गए यहाँ पे. अच्छा. और क्या, और सबसे बड़ी बात हमारी मुलाकात भी हो गई. हाँ. खैर, वैसे आप कोलकाता से हो क्या? नहीं, मैं सिलीगुड़ी से हूँ. सिलीगुड़ी? सीरियसली? हाँ, क्यों? बागडोगरा, आपको पता है एक जगह? मैं वहीं से. मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ. अच्छा. मेरा फ्रेंड का घर है वहाँ पर. अच्छा. आई गेस मेरा ऑर्डर. आ बैठो, मैं ले आता हूँ. बैठो. आपकी हॉबीज क्या है? मुझे पोएम्स लिखना बहुत पसंद है. पोएम्स? हाँ. मतलब आप आर्ट के फील्ड से हो क्या? साइंस, बट हॉबी तो हॉबी होती है ना. अच्छा अच्छा, तो मतलब आप लिखते भी हो? खुद से? ऑफ कोर्स. और आप, आपकी कोई स्पेसिफिक हॉबी? पता नहीं, बहुत सारी हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई पर्टिकुलर कुछ नहीं है. वो उसका इंतजार करते रह गई, पर वो लौट कर नहीं आया. सर, आप जो कहानियाँ लिखते हो, क्या वो आपकी कल्पनाएँ हैं या फिर? अक्सर इंसान अपनी वास्तविक ज़िंदगी और अपनी काल्पनिक ज़िंदगी में फ़र्क महसूस नहीं कर पाता. वो जिन कल्पनाओं में जीता है उन्हें ही वास्तविकता समझ बैठता है. आपको कभी प्यार हुआ है? इंसान प्यार को नहीं ढूंढता, सही वक्त आने पर प्यार खुद इंसान को ढूंढ लेता है. Meet my wife.